दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। होशियारपुर की गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में उस समय हंगामा हो गया जब यूनिवर्सिटी के सैकड़ों विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान विद्यार्थियों का आरोप था कि यूनिवर्सिटी ने बिना उनकी मंजूरी के उन्हें बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से बदलकर रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में दाखिल कर दिया है, जबकि इस यूनिवर्सिटी के पास मान्यता भी नहीं है। विद्यार्थियों ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी की पंजाब के बाहर कहीं भी कोई मान्यता नहीं है। वहीं दूसरी ओर जब इस संबंध में यूनिवर्सिटी के चांसलर ओपी उपाध्याय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की इस मांग को उच्च स्तर पर भेज दिया गया है, जल्द ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। ये कि जो यूनिवर्सिटी है वो हमारी एफिलिएशन नहीं दे रही है, हमें जो रजिस्ट्रेशन मिल रही है, पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होती है इंटर्नशिप से पहले, वो हमें बिल्कुल सही मिल रही है, लेकिन जो उसके बाद इंटर्नशिप के बाद हमें फाइनल रजिस्ट्रेशन मिलनी चाहिए, वो हमें फाइनल नहीं मिल रही है। फाइनल के बाद भी हमें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल रही है, एंड उसके बावजूद जो प्रोविजनल तो एक तो मिल ही रही है, लेकिन जो मिल रही है हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसकी बैक साइड के ऊपर लिखा हुआ है दैट स्टूडेंट जो भी कर रहा है वो उसके अपने रिस्क पे है। इसका मतलब तो यही हुआ दैट जो भी है वो हम अपने सिर पे कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम ना पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना हम गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम तो यहाँ पे जवाब मांगने आए हैं इनसे, हमें कुछ सोच के नहीं आए, हम तो यहाँ पे जवाब मांगने आए हैं इनसे कि हमें इसका हल बताइए, हम लोग आपके स्टूडेंट्स हैं, हमने यूनिवर्सिटी देख के एडमिशन लिया या अपना कॉलेज देख के एडमिशन लिया। ये प्रश्न मुझे क्यों पूछ रहे हो? देखिए आप जहाँ जिन कॉलेजों को आज हमारे पास 13 कॉलेज है उनमें से 4 कॉलेज की परमिशन अभी भी नहीं आई। अगर प्रेस चले जाए ना किसी भी फैकल्टी पूरी नहीं होगी। नहीं भाई वो आप लोग ये तो आप लोग एक तो मैं थोड़ी बात बैठा हूँ, मैं तो हर कॉलेज में आशा रखता हूँ कि एक महीना में तो हो ही जाना चाहिए, हो ही जाना चाहिए, मेरी आशा है।